पब्लिक टीवी आपकी आवाज। एमएलसी चुनाव की तैयारियां पूरी जोर शोर के साथ चल रही हैं और मुरादाबाद में एमएलसी चुनाव का जो मतदान है वो किया जा रहा है, उसी को लेकर आज मुरादाबाद के जो महापौर हैं विनोद अग्रवाल वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिरकार जो एमएलसी का इलेक्शन है उसमें लगभग आज जो मुरादाबाद और बिजनौर के जो मतदाता हैं लगभग 8000 कुछ वोटर अपना मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। जानेंगे कि आखिरकार किस तरह की तैयारियाँ हैं और क्या कहना चाहेंगे। मेयर साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आखिरकार किस तरह की तैयारियां हैं और क्या कहना चाहेंगे जी इलेक्शन को लेकर, क्या कहना है, किस तरह की तैयारियां? आज यहां पर स्थानीय निकाय के विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं और 8 बजे से यहाँ पोलिंग शुरू हुई है जो 4 बजे तक चलेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं अपने सतपाल सिंह, उनके पक्ष में एक तरफा मतदान हो रहा है और हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर समस्त हमारे जो इसके चाहे वो BDC मेंबर हों, ग्राम प्रधान हों, जिला पंचायत सदस्य हों, हमारे अपने नगर निगम के पार्षद हैं, सभी लोग एक तरफा सतपाल सिंह जी को वोट दे रहे हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट भी है वो सामने, क्या स्थिति रहने वाली है? समाजवादी पार्टी का कहीं कोई यहाँ पर असर तो दिख नहीं रहा है कहीं पे भी, और उन्होंने कोई इस तरीके की कहीं फाइट भी नहीं की, तो एक तरफा मामला है। तो है मुरादाबाद के महापौर विनोद अग्रवाल, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी के जो MLC प्रत्याशी हैं सतपाल सैनी, उनकी एक तरफा जीत होने वाली है। हालांकि अब समय बताएगा कि आखिरकार की किस तरह की जो जीत होती है वो अभी देखने वाला वक्त बताएगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।